गाइस हेलो एवरीवन, कंप्यूटर के ट्यूटोरियल में हम लोग अटैच फाइल्स और फोल्डर पे बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फोल्डर को जिप करना और अटैच करना भी बताया है। एक फाइनल ट्यूटोरियल अटैच करने पे बताती हूँ मैं आपको, एक और ट्यूटोरियल बताती हूँ कैसे करेंगे। एक फोल्डर बना लीजिए कंट्रोल शिफ्ट 10 करके, उसमें फाइल्स रखिए जो जो आपको रखनी है, जिनको अटैच करके बहुत सारी फाइल्स को भेजना होता है, तब हम अटैच फोल्डर का यूज़ करते हैं। उस फोल्डर को एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 प्रेस करके उस वहाँ कर्सर रख के सेंड टू सब मेन्यू में जाके और डाउन एरो से कंप्रेस एंड जिप पे एंटर कीजिए। चंद सेकेंड में वो कंप्रेस्ड और जिप हो जाएगा, और ये जब क्या होता है मैंने बता दिया है, ठीक है। सब मेन्यू में जाने के लिए राइट एरो या एंटर का यूज करते हैं, बाकी डाउन एरो का करेंगे। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे जीमेल में जाएंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे। हमें किसको अटैच करके भेजना है फोल्डर, तो कंपोज मेल में जीमेल आईडी लिखेंगे। टैब से हम लोग सीसी में किसी को डालना चाहते हैं सीसी में रखेंगे, नहीं तो टैब से बीसीसी रखना है छोड़ना है जो भी है। सब्जेक्ट टैब से आएंगे, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिखेंगे। टैब से अटैच फाइल बटन पे आएंगे, अटैच फाइल बटन पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच फाइल बटन ब्राउज मिल सकता है, अटैच फाइल बटन स्पेस बार या एंटर। टैब से ट्रीव्यू रिव्यू जो ऑर्गेनाइज बटन के बाद है, या शिफ्ट टैब से ट्रीव्यू पे जाएंगे जो आइटम व्यू लिस्ट के बाद आएगा। वहाँ पे आपका फोल्डर जहाँ भी है सिस्टम में, उस लोकेशन को चूज करेंगे अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से या लेटर के थ्रू। उस पे लोकेशन पे जब आपके जो फोल्डर है उस लोकेशन पे एंटर करेंगे, टैब से आइटम व्यू लिस्ट पे जाएंगे। आइटम व्यू लिस्ट पे अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो उस फाइल का नाम प्रेस करेंगे। फोल्डर अटैच जो करना है, हमने फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर का नाम प्रेस करेंगे या फिर अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से देखेंगे और उस फोल्डर पे एंटर कर देंगे। कंपोज मेल में आप वापस आ जाएंगे। कंपोज मेल में वापस आने के बाद आप मैसेज टैप करके मैसेज बॉडी में आएंगे, एक अच्छा सा मैसेज लिखें जो भी लिखना है, टैप करेंगे, सेंड बटन आएगा, आप सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद थोड़ी देर में आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, योर मैसेज हैज़ बिन सेंड। इसको हम सेंड मेल में भी चेक करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं सेंड मेल में, ये भी मैं आपको बताऊँगी। कैसे आप चेक करेंगे सेंड मेल में वो भी आपको बताऊँगी। फिलहाल आप का ये मैसेज सेंड हो जाए तो आप एलिमेंट लिस्ट में जाइए, इंसर्ट F7 करके S से साइन आउट ढूंढिए, साइन आउट पे एंटर करके अकाउंट को साइन आउट कर दें। अकाउंट को साइन आउट हमेशा कर देना चाहिए, उससे हमें फ़ायदा रहता है हमेशा अकाउंट को साइन आउट करने से, ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सप्लोर करेंगे मैसेज राइटिंग कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट वे ऑफ मैसेज, हाउ टू प्रॉपर वे ऑफ राइट मैसेज ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। अभी आपको अटैच फाइल और फोल्डर करने के बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।